रूस ने एक बार फिर खुलकर भारत का समर्थन किया। यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर रूस आगे आया और खुलकर भारत का समर्थन किया। भारत का साथ देते हुए रूस की ओर से कहा गया कि इंडिया और ब्राजील की स्थायी सीटों की मांग जायज है और वो इसका पूरी तरह से समर्थन करता है। यूएन में रूस की स्थायी प्रतिनिधि ग्रेडी ग्रेटिलोव ने खुद ये बात कही कि यूएनएससी में सुधारों की बात की जा रही, तो ऐसे में भारत को उसका उचित स्थान दिलाने के लिए बड़ा प्रयास कर रहे हैं। यूएनएससी की इफेक्टिवनेस बढ़ाने के लिए अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के प्रतिनिधि का विस्तार करना जरूरी। अगर विस्तार करने का निर्णय लिया जाता है तो ब्राजील और भारत मजबूत उम्मीदवार हैं। हम इन दोनों देशों को स्थायी सदस्य बनाने के समर्थन में रहेंगे। देखा जाए तो रूस हमेशा से भारत के साथ खड़ा रहा। रूस और भारत की दोस्ती बहुत पुरानी है। सैकड़ों प्रतिबंध लगने के बाद भी भारत ने रूस का साथ नहीं छोड़ा। अमेरिका, यूरोप के तमाम दबाव के बाद भी भारत ने रूस से अपने रिश्ते खराब नहीं किए और लगातार व्यापार करता रहा। वहीं रूस की बात करें तो समय समय पर रूस भी भारत के साथ खड़ा रहा। रूस की ओर से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता को लगातार समर्थन दिया जाता रहा है। कई मौकों पर देखने को मिला कि रूस की ओर से साफ तौर पर कहा गया कि यूएनएससी में भारत को भी स्थायी सदस्य बनाना चाहिए, क्योंकि भारत एशिया की एक अहम ताकत है। वैसे रूस की इस बात में कुछ भी गलत नहीं है। भारत सिर्फ एशिया में ही नहीं, दुनिया में एक अहम ताकत है। बीते साल ही रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने भी भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ बैठक के वक्त कहा था कि उनका देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए भारत का समर्थन करता है। हालांकि इस प्रक्रिया में अगर कोई अड़ंगा लगा सकता है तो वो चीन। भारत की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता पर चीन का रुख सकारात्मक नहीं रहा। देखा जाए तो सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों में अकेला चीन ही ऐसा देश है जिसने अभी तक भारत की सदस्यता को लेकर हामी नहीं भरी है। और जिस तरह की चीन की हरकतें रही हैं, वो ये कभी नहीं चाहेगा कि भारत स्थायी सदस्य बने। बाकी के 4 सदस्य अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और फ्रांस कई बार भारत की सदस्यता को लेकर सहमति दे चुके हैं। इन सारे देशों के रिश्ते भारत से बहुत अच्छे रहे हैं। यहाँ तक कि रूस तो बहुत मजबूती के साथ भारत के साथ खड़ा रहा। ऐसे में अगर कभी आने वाले वक्त में सुरक्षा परिषद का विस्तार होता है तो बाकी 4 सदस्यों का समर्थन भारत को मिलने की उम्मीद है। लेकिन भारत का दुश्मन चीन वीटो का इस्तेमाल कर भारत को स्थायी सदस्य बनने से रोक सकता है। आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।